वाराणसी एक ऐतिहासिक शहर। लोग अक्सर यहाँ क्यों आते हैं? ईश्वर की खोज में, मोक्ष पाने के लिए, या फिर जिंदगी का मतलब खोजने। हमें यहाँ के घाटों पर, छोटी छोटी गलियों में, बच्चों के मुस्कुराते चेहरों पर एक वजह मिली, एक उद्देश्य मिला, वो करने की जो हम सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं। इस सब की शुरुआत तब हुई जब ओरियन बेल ने अपने CSR इनिशिएटिव के तहत सरकारी स्कूलों की रिसर्च करी और हमने उन्हें बहुत ही खराब स्थिति में पाया। हमें लगा कि उनका कायाकल्प अपने टाइलों द्वारा किया जाना चाहिए और ये हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था क्योंकि हम सालों से इस देश के लीडिंग टाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं। मुझे बच्चों को पढ़ाना अत्यधिक पसंद है, लेकिन इस तरह के उपेक्षित और खस्ता हालत स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती साबित होती है। गर्मियों के मौसम में कक्षाओं में धूल भर जाती है और कक्षाएं गर्म हो जाती हैं और बरसात के मौसम में प्रांगण में पानी का जमाव हो जाता है। पहले मेरा विद्यालय अच्छा नहीं था, मुझे खेलने के लिए मैदान नहीं थे, झूले नहीं थे। अब मैदान बन गया है, झूला लग गया है, अपना कक्षा बन गया है, देखो खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ। हाँ, पढ़ने भी मजा आता है और मेरा स्कूल इतना सुंदर बन गया, घर जाने का मन नहीं करता, बस यही खेलने का मन करता है। बच्चों की पॉजिटिव एनर्जी को देखते हुए एक इंस्पिरेशन मिला कि हम टाइल को कुछ ऐसा इस्तेमाल करें जो मीनिंगफुल हो, प्लस लॉन्ग लास्टिंग हो, जो देर तक असर आए जिसका। तो एक बहुत पावरफुल आइडिया आया हमको कि टाइल का इस्तेमाल हम लोग बिल्डिंग को मजबूत बनाने, बिल्डिंग को सुंदर बनाने के साथ साथ कुछ ऐसा करें जो एजुकेशनल एड प्लस एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाए। ये टाइल्स बहुत ही आकर्षक और सुंदर हैं। इसका इस्तेमाल हर क्लास में किया गया है। बच्चे जिस भी क्लास में जाते हैं इसके माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते हैं। सबसे दिलचस्प चीज़ जो ओरियन बेल कंपनी ने हमारे विद्यालय को दिया वो है टाइल्स पर बने डायग्राम। टाइल्स पर बने डायग्राम के माध्यम से विषय वस्तु को दिखाकर हम अच्छे से समझा लेते हैं और बच्चे भी उत्सुकतापूर्वक और रोचकता के साथ उसे देखकर समझ लेते हैं। ओरियंट बिल कंपनी का ये प्रयोग हमें और हमारे बच्चों को बहुत ही पसंद आया। मुझे भारत के नक्शे वाली टाइल्स बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैं बड़ा आऊंगा पूरा देश घूमूंगा। मैंने इन टाइल्स से यह सीखा है कि स्वच्छता की शुरुआत मुझसे, मेरे स्कूल से, मेरे घर से होती है। मुझे योगा वाली यह टाइप के बनी चित्र बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये मुझे बहुत शरीर लिखने के बारे में जानकारी देती है। ओरिएंट बेल को मेरा हार्दिक धन्यवाद क्योंकि आपने पढ़ने और पढ़ाने को बहुत ही आसान बना दिया है। मैं ओरिएंट बेल को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे स्कूल को बहुत सुंदर और प्यारा प्यारा बना दिया है। इस साफ सुथरा और सुंदर खेल के मैदान के लिए धन्यवाद। हमें साफ पानी देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ये तार बच्चे ने बनाए हैं, इनको देखकर हमको बहुत बड़ी खुशी हो रही है। बहुत सालों बाद किसी स्कूल से जुड़ के और उसे रेनोवेट करके बहुत प्राउड फील हो रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल को रेनोवेट करने के बाद बच्चों के चेहरे पे इतनी खुशी होगी। ये जो ओरिएंट बेल स्कूल को रेनोवेट करके टाइल्स विद एजुकेशनल कंटेंट लगा करके एक्टिविटी कर रही है, उस पर यदि हम एक लेबल लगाएं तो उसको हम CSR कह सकते हैं। बट इट इज़ मच मोर देन CSR, इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन केवल वो स्कूल और वो बच्चों के लिए नहीं है, द बिगर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ फॉर द कंपनी। एक जो सुकून, एक पीस जो हमें मिलता है ये सब करने में, छोटे बच्चों में इतनी खुशी देखने में, दैट इज़ प्राइसलेस। आई होप दैट वी विल कंटिन्यू दिस इनिशिएटिव ऑन अ पैन इंडिया बेसिस और जितना ज़्यादा हम करेंगे आई विल बी डिलाइटेड बिकॉज इट विल क्रिएट मोर एंड मोर जॉय विद इन द कंपनी।